जहां पूरी दुनिया महानवमी का शुभ अवसर मना रहे थे, वहीं बिहार के दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के पंडित को गोली मार हत्या कर दी गई। बता दें, उन पंडित की पहचान राजीव झा के नाम से की गई और बताया जा रहा है कि वे काली मंदिर जो दरभंगा यूनिवर्सिटी स्थित आता उसके पूज्य पंडित थे। उन्हें 4 गोली छाती में लगी और वो ऑन स्पॉट डेथ हो गए। बता दें, पुलिस ने बताया कि वे 4 गुनहगार एक गाड़ी में सवार आए और ओपन फायरिंग पंडित जी पर शुरू कर दी। एक और पंडित इस बीच गनशॉट के निशाने पर आए और जख्मी हैं, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया गया है। वहां मंदिर में मौजूद जो माता के दर्शन करने आए थे, उन्होंने बताया कि हमलावरों ने 12 से भी ज्यादा बार गोलीबाजी की। दरभंगा की जनता में भड़की आग ने उन हमलावरों का पीछा किया और उन्हें खूब मारा पीटा और एक की ऑन स्पॉट डेथ हो गई। दरभंगा के SDPO कृष्णानंदन ने बताया कि उन्होंने बाकी 3 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे फायर्ड आर्म्स और उनके गाड़ी को गिरफ्त में लिया। मर्डर का FIR भी दर्ज हुआ है उनके तहत और आगे की खोजबीन जारी की गई है। SDPO ने बताया कि पंडित जी की बॉडी को पोस्टमार्टम में भेजा गया और जख्मी पंडित को दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। दोनों जख्मियों के परिवार को खबर कर दी गई है और आशय जताया है। हादसा से डरी जनता ने आधे में अपना दर्शन छोड़ घर भाग गए। आगे की खोजबीन जारी और हम सब जानेंगे कि आखिर क्यों उस बेचारे पंडित और उस 4 हमलावरों का था रिश्ता। बता दें, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि ऐसे दिन दहाड़े अपनी जान खो बैठे हैं बिन वजह। जहां लोग अपनी श्रद्धा के तहत माता के पास अपनी मन की इच्छा बताने जाते, वहां ऐसे अपनी जान हथेली में लेकर घूमना पड़ता है। आए दिन बढ़ रही क्राइम रेट और सरकारी की चुप्पी ये दर्शाती है कि बिहार की सरकार ने किस तरह अपने आंखों पर पट्टी लगा रखी है। क्राइम रेट रोज रफ्तार से बढ़ रहा है, कभी पटना तो कभी मुजफ्फरपुर, और अब दरभंगा के एक आम सीधे साधा जीवन जीने वाले पंडित जी को दिन दहाड़े 4 गोली छाती में मार हत्या कर दी। ऐसा पहले भी कई बार हुआ है। सरकार का मौन ही ऐसे हमलावरों को बढ़ावा देता है। स्ट्रिक्ट रूल्स और सजा ना होने और मामूली बेल पर छूट जाने से इन्हें बढ़ावा मिलता है। ऐसे ही कांड कुछ दिन पहले अयोध्या मंदिर में हुआ था, जहां पंडित जी को गोली मार के हत्या कर दी गई थी। घटना के संबंध में सूचना मिली है कि पुजारी जी मंदिर में बैठे हुए थे, 3-4 आदमी गाड़ी से आया और उनसे उलझ गया और इसी दौरान उनको गोली मार दिया, जिनको इलाज के क्रम में पुजारी जी की मृत्यु हो गई हॉस्पिटल में। उनका हम लोग पोस्टमार्टम करा रहे हैं और जो मारने वाले थे लोग उसमें भी कुछ लोग पकड़ाए हैं, वो भी पब्लिक द्वारा उनको मारपीट किया गया था, इंजर्ड है, इनका DMCH में इलाज चल रहा और पुलिस आगे कार्रवाई कर रही है। कारण क्या है सर? कारण कितना में हम लोग जा रहे हैं कि अंदर का कारण क्या है? अपराधी जो है उनकी मौत, अपराधी की भी संदेह की मौत हो गई थी क्या? एक अपराधी की मौत हो गई है। टोटल 2 मौत है सर? 2 है, एक पुजारी जी की और एक जो मारने आया था उसको पब्लिक लोग ने मारपीट कर दिया। इसके कारण गाड़ी भी एक बरामद हुई, गाड़ी एक बरामद हुई है। कारण सर प्राइमरी स्टेट में कुछ तो कारण पता चला होगा परिजनों से, उसी का हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, डिटेल बताएंगे फिर। तो प्रथम दृष्टया से जानकारी मिल पा रही है सर कि नशा से जुड़ के, क्योंकि यहाँ पर नशेड़ी लोग, और सारे एंगल पे हम लोग जांच कर रहे हैं, जो एंगल आएगा उसको हम लोग। कितने राउंड गोली चली है सर? अभी तो 2-3 कार्टिज मिला है फायर किया हुआ और हम लोग उसका अनुसंधान कर रहे हैं। ठीक, सारे पहलुओं पे हम लोग जांच कर रहे हैं जो उस घटनाक्रम में आएगा। ठीक है, ठीक है। अगर आप ऐसी ही कोई घटना जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए देखते रहें NBC 24। धन्यवाद।